सो गाइज, आई होप अब मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी और सभी को बढ़िया से आवाज आ रही होगी, क्योंकि अब हम थोड़ा सा न्यू तरीके से लाइव आ चुके हैं। वो पुराने वाले में थोड़ा सा इशू हो गया था, जिसकी वजह से ये इशू हुआ। विकास, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? प्लीज कंफर्म कर लीजिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बस ठीक है, परफेक्ट है। तो अब हम इसी से लाइव कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अमन भाई भी आ गए, सारे आ गए हैं। नई चीज को टेस्ट करना हो तो थोड़ा समय लगता है। अमन भाई हेलो, अभिषेक भाई हेलो, और कोई बचा हो तो प्लीज वो भी ज्वाइन कर लेना। शायद एक जस्ट बैडमिंटन के भाई अपने, वो भी आने वाले हैं। आया रिक्वेस्ट? एक सेकेंड रुक जाइए, अभी रिक्वेस्ट नहीं आया है। चार खिलाड़ी, चार हो चुके अपन ऐड। ठीक है, मोनेटाइजेशन, एक सेकेंड रुक जाओ। शेड्यूल भाई चार बैलेंस, खिलाड़ी सेव। चार खिलाड़ी नहीं भाई, चार। तो त्रितेश भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। हेलो त्रितेश ये भाई, कैसे हो? पहली बार आए बाद में दस चरण पे आए हैं। हेलो त्रितेश। ऑल राइट, सो गाइज, अभी ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले हमने, आपको पता ही है, पॉडकास्ट थोड़ी सी सीरीज शुरू करी है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बैडमिंटन के बारे में कि किसके ज्यादा चांसेस हैं जीतने के, किससे आप मेडल एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या सिनेरियो होने वाला है, और कैसे हमारे एथलीट्स जो शटलर्स हैं क्वालिफाई करेंगे ओलंपिक्स के लिए। तो सबसे पहले वही बात है कि अपना जो ओलंपिक्स है, 24 जुलाई से वैसे इवेंट शुरू हो जाएंगे, बट जो ओपनिंग सेरेमनी है वो 26 जुलाई का, और 27 जुलाई से हम सारे मैचेस देख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखो, अभी रिसेंट जो मैचेस चल रहे हैं ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अपना फ्रेंच ओपन, फ्रेंच तो सभी ने फ्रेंच ओपन देखा होगा, कितना मजेदार चल रहा है। रात को थोड़ा लेट है, बट इंटरेस्टिंग है, वर्थ इट है मेरे हिसाब से। तो वो मैचेस जो हम देख रहे हैं, लक्ष्य सैन की जोरदार कमबैक पर, सबसे पहले कोई कहना चाहेगा कुछ, कि किसी ने कुछ विचार देना चाहता हो? हाँ, मतलब एक्चुअली लक्ष्य सेन का कमबैक बहुत ये टाइम पे एक्चुअली कमबैक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ओलंपिक्स भी आने वाला है सच राइट में। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब जब मैच आने वाले रहते हैं, तो अगर वो फेस में अगर कोई प्लेयर अगर फॉर्म में है करेक्ट, तो ओलंपिक भी मतलब एक बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि वो फेस में वो क्रैक कर लेंगे जो जो मैच जो वो उनको आइडियाज मालूम पड़ गए हैं से कैसे। 2-3 महीने पहले ना, जो अभी सोच रहे हैं कि लक्ष्य सैन पहुंच जाएंगे, खेल लेंगे, जीत लेंगे, 2-3 महीने पहले कोई सोच भी नहीं रहा था कि भाई ये बंदा नहीं जा पाएगा, नहीं खेल पाएगा, करेक्ट जाएगा भी तो हार जाएगा। बहुत सारे हम ऐसे कमेंट्स देख रहे थे, है ना? एक तो इंडियन फैंस आप जानते हैं, ये बहुत जल्दी स्विच हो जाते हैं, पहले फेवर में आते लक्ष्य हैं। सेन के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव भी बोला जाता है विशाल भाई। मतलब बीच में उनकी इंजरी हो गई थी, उसके बाद मतलब थोड़ा सा डाउन हो गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे मैचेस वो निकलते ही जा रहे थे, पहले ही मतलब राउंड ऑफ 32 में बाहर हो जा रहे थे। फिर करते करते उन्होंने बीच में एक आधा टाइटल जीता था, उसके बाद आप देख सकते हो ये वाली फोटो। अरे मेरा ब्लर हो गया, एक ब्लर हो सेकंड। रहा है। ये राइट, मैच इमन जीते बैग कैंप चेंज द तो कोच उसने हुआ तो 1 महीने पहले कोच चेंज किया था, उसके बाद से अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट काफी नजर आ रहा है। हाँ, बट मेरे हिसाब से अभिषेक भाई मतलब 1 महीने में कोच चेंज करने से ज्यादा फर्क तो नहीं आता, बट हाँ गाइड अच्छे से कर दिया फर्क होगा। फर्क एक्चुअली होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पीवी सिंधु के जो कोच है, वन ऑफ द कोच प्रकाश पादुकोण जी भी है, एंड इवन इवन जो लक्ष्य सेन के जो कोच जो नए चेंज हो गए वो भी प्रकाश पादुकोण ही है। तो वो सिंगल्स में वो दोनों को यू नो काइंड ऑफ हैंडल कर रहे हैं, तो यू नो 1 महीने के अंदर चेंज दिखे, दोनों कमबैक कर रहे हैं, यू नो पीवी सिंधु एंड लक्ष्य सेन। हाँ, तो ये दोनों ने काफी कहीं ना अच्छा कहीं मैच है खेला फर्क था। है कोच का। फर्क तो है, बट 1 महीने में रिजल्ट्स आना थोड़ा मुश्किल होता है। ये है कि हमारे लक्ष्य भाई है शाइनिंग स्टार, तभी सेन मोड ऑन कर दिया उन्होंने ओ इस। गाइज, अभी सबके कमेंट्स भी लेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर फनी भाई पूछ रहे थे, मनन पूछ रहे थे कि कमेंट्स नहीं पढ़ोगे, कमेंट्स के बारे में आएंगे, थोड़ा सा पहले बातचीत कर लेते हैं। और थॉमस कप के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि थॉमस कप सबसे बड़ा इवेंट अभी आने वाला है अगले महीने से, उस पर भी डिस्कस कर 27 लेंगे। हाँ, तो यार, एक लक्ष्य सैन और एक पीवी सिंधु, इन दोनों के मैचेस और इनकी फॉर्म देखकर ना थोड़ा सा दिल खुश हुआ है कहीं ना कहीं आजकल रिसेंट में। वरना पीवी सिंधु का तो भरोसा था कि वो कमबैक करेंगी, बट जो सरप्राइजिंग रहा वो हमारे लिए लक्ष्य सैन ही रहा है फिलहाल अभी तक। और जो किदांबी जी से उम्मीदें थी, उन्होंने
बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की ही फॉर्म कंटिन्यू रखी है फ्रेंच ओपन में, मतलब वही 18-12 और बट यार 19-12 वाला स्कोर जो है, मतलब पढ़ना एचएस से भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी पर वो भी यार बाहर हो गए। उनका टफ मैच तो था बट जीत सकते थे वो मैच को। उनसे उम्मीदें थोड़ी सी मैं कमी रखता हूं क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रेडिक्टेबल है, वो कभी भी चल जाएंगे कभी भी। या बट लाइक प्रणॉय हैड गट इश्यूज इन जनवरी तो आई गेस यू नो हिज इंजरी आल्सो लाइक ही इज नॉट फुल्ली फिट आई गेस Then why he's not playing if he's not fully fit? Like Lakshinsen was also not fit, right? So he come back after 2 months. You know, after 2 months he's playing the last 2-3 matches, correct? So then he should also take some rest, correct? Then why is he not playing? Actually, तब से उसका अभी full flow नहीं आया नहीं है. एक दो महीने लगेगा, he will recover soon. अगर पढ़ना एचएस अगर गैप ले लेते तो मुझे इतना नहीं लगता कि उनका वो हो जाएगा कि रैंकिंग में इतना ज्यादा असर पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, ही जस्ट 7th रैंक, राइट? 7th रैंक है अभी उनका। पेरिस ओलंपिक एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और काफी ज्यादा मतलब पूरी इंडिया की निगाहें पढ़ना एचएस पर रही है क्योंकि भाई नीरज चोपड़ा भी अपना डायमंड लीग मिस करने वाले हैं इसीलिए, क्योंकि वो इंजरी नहीं चाहते उससे पहले। तो करोना एचएस भी अगर प्रैक्टिस देखो बार-बार अगर हम इवेंट्स के लिए बीच-बीच में छोड़ते रहेंगे ना तो फिर वो प्रैक्टिस की कंटिन्यूटी टूट जाती है। नहीं नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे विक्टोरिया लाइक लास्ट टाइम विक्टर, राइट वो ओलंपिक चैंपियन थे गोल्ड मेडल, उन्होंने अगर आपने देखा रहेगा वो 1/32 जो 32 रेंज से जो शुरू हुआ था मैच, राइट? ये पेरिस वाला उन्होंने जो जो कॉम्पिटिटर है उनका 27th रैंक था, उन्होंने हरा दिया लेटेस्ट अगर आप देखोगे 2 दिन पहले। करेक्ट करेक्ट, इतना शॉकिंग न्यूज़ हुआ एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो शॉक हो गया कि 32 मतलब यू नो काइंड ऑफ इट वाज वेरी शॉक कि वो कैसे हार सकते हैं। अरे वो सब अभी एक्सपेक्टेड नहीं था बट ये हां यार, बट देखो अब ऐसा है ना कि हम इंडियन, अब देखो लास्ट ओलंपिक्स में इंडिया ने क्या किया था, हमारी पीवी सिंधु ही तो मेडल जीती थी, है ना? उसके बाद इंडोनेशिया ने कितने मेडल जीते थे, हमारे मेन सिंगल्स में एक मेडल जीता था, वहीं पर मलेशिया ने मेंस डबल्स में मेडल जीता था, इंडोनेशिया की वुमेन्स ने मेडल जीता था। तो मतलब कि इंडोनेशिया ने ज्यादा मेडल जीते हैं और उसके बाद डाउनफॉल देख रहे हैं उनका। अभी फ्रेंच ओपन में बहुत ही कम इंडोनेशिया दिखाई दिया, पहुंचा ही नहीं है सेमीफाइनल पे, तो कोई भी क्वार्टर फाइनल में ही सारे हार गए। तो वैसे भी देखो ना कि मेडल जो जीता है जरूरी नहीं है कि वो लगातार ही मेडल जीतेगा, क्योंकि वो मेडल हार भी सकते हैं। करेंटली मलेशियन एंड इंडोनेशियन प्लेयर्स आरंट एट देयर बेस्ट, लाइक वो कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर पा रहे क्योंकि मलेशिया जो ऐसी कंट्री थी जो कि काफी ज्यादा मतलब एक्टिव रहती थी फ्रेंच ओपन के फाइनल्स में भी, अगर देखा जाए तो मेंस डबल या मेंस सिंगल्स रहते थे, बट अब देखोगे तो आप कोई भी मतलब बचे नहीं है इसमें। तो मतलब ये डाउनफॉल तो चलो आता ही है, हर किसी के साथ ही होता है थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल, नहीं मतलब कि अप्स एंड डाउन्स कह सकते हैं उसको, ये होता ही है। लेकिन मैंने इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट देखा, जैसे इंडिया में ना अगर आप देखोगे ना मैच तो दो ही सिंगल जा सकते हैं टॉप 16 में ओलंपिक में, राइट? दो सिंगल है। अगर आप देखोगे डबल्स में देखोगे तो चिराग शेट्टी एंड वन इंडियन तो है, यू नो काइंड ऑफ, फिर अगर आप वुमेन्स डबल में भी चांस लग रहा है मुझे जा सकते हैं, पीवी सिंधु है वुमेन्स डबल्स में भी, गोपी चंद एंड जॉली, राइट? उनका भी बहुत चांस है, इट्स वेरी चांस, क्योंकि उनके पॉइंट्स मैंने चेक किए, वो अभी उनका रैंक 23 है बट उनके पॉइंट कैलकुलेशन करके आई थिंक 17th रैंक रेंज हो जाएगा, तो उनके पास और 3 मैच रहेगा लेटेस्ट टिल अप्रैल, 3 मैच रहेगा उनके पास, तो उनके भी चांस लग रहे हैं। कभी कभी लगता है विकास भाई कि एन सियोंग, ताए तो यिंग और हमारी अकाने यामागुची मतलब इतने कंसिस्टेंट प्लेयर कैसे हैं, मतलब देखा जाए तो वो थ्रू आउट द ईयर पूरा गेम खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक आधा ही पूरा टूर्नामेंट मिस करते होंगे, बट इतना कंसिस्टेंटली और वो भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब वो भी तो प्लेयर है, हम लोग सोचते हैं यार क्योंकि वो लोग their entire training structure and the correct, level correct, of support correct, staff correct, they have correct. Is totally on a different level. Like Chinese player do sand training, like that wo dekh ke Malaysians have next started to do it, so their entire creativity and support system is on whole new level. Because last 25-30 years se na
लास्ट हम लोग भी तो चीजों को दे हैव द आईडिया टू टू हाउ टू मेंटेन द डाइट और हाउ टू मेंटेन द यू नो द फिटनेस लेवल. वो अभी इंडिया में नया है ना ये सारी चीज भी सडनली यू नो. बट मैं ये कहना चाहूंगा जैसे हमारे ओलंपिक के जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी हमारे ओलंपिक के प्लेयर्स हैं उनको मतलब सारी फैसिलिटीज मिलती है. अगर जैसे आप देखोगे नीरज चोपड़ा अगर वो गोल्ड लाए तो ऑलरेडी उनको मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट फैसिलिटीज में रखा जा रहा है, उनपे पैसे खर्च हो रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पे मतलब वो चीजें ट्राई नहीं कर सकते, करते हैं. बट हमारे मतलब बैडमिंटन प्लेयर्स पे क्यों नहीं हो रही है चीजें? बैडमिंटन में तो हम कब से मेडल जीत ही रहे हैं तब भी ऐसा बोलेंगे कि फैसिलिटीज नहीं है और ये चीज नहीं है तो गलत ही है. बिल्कुल प्रॉपर्ली है, डाइट भी साथ मतलब इन सब के लिए सब कुछ है. बट फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे प्लेयर ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं एंड कहीं ना कहीं तो लैग आर एंटायर सिस्टम इज डिसेंट्रलाइज्ड. अगर आप देखो तो ईच प्लेयर विल हैव अ डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम and not the federation like you know in other cases like Japan China mein the entire right. federation has one support system for I guess all players. So yahan pe Lakshya has a different coach, Srikant has a Pranoy has a different coach. So aur that in pe foundation bhi nahi hai ki aapko matlab coach hamare mein jaise agar BAI hi rakhe, Badminton Association of India hi matlab specific rakhe ki nahi aapke paas best duniya ka best coach hona chahiye. तो अगर ऐसा कुछ हाँ हो जाए तो ये पॉइंट अच्छा है कि सिंगल इंडिविजुअल गेम्स आप खेल रहे हो तो आपके पास इंडिविजुअल कोचेस होने जरूरी है. ऐसा थोड़ी नहीं है भाई, ये ही बोलेगा तो नहीं नहीं मतलब दुनिया का बेस्ट कोच गेम की बात आ जाती है वहां पे कोचेस इंडिविजुअल होने चाहिए आपके पास, तभी आपको बेटर फैसिलिटी और बाकी ट्रेनिंग वगैरह में ज्यादा मदद मिल पाएगी. ये तो है बट मतलब बेस्ट होना चाहिए, जो भी है बेस्ट होना चाहिए. ये नहीं कि मतलब अगर आप बोल रहे दुनिया का बेस्ट कोच, मुझे याद है टेबल टेनिस में लास्ट टाइम जब ओलंपिक में मनिका बत्रा का इशू हुआ था, यू नो यू गाइस नो राइट, मनिका बत्रा टेबल टेनिस में उन्होंने कमेंट किया था कि उनके कोई कोच अवेलेबल नहीं थे. एक कोच थे जो नॉर्मली यू नो इट वाज नॉट वेरी हाई लेवल कोच, तो उन्होंने बहुत यू नो एक गुस्सा जताया था मनिका बत्रा के ऊपर, तो उनका बहुत बड़ा विवाद हो गया था. तो वो नेगेटिव चीज़ों में से वो आगे तक नहीं पहुंच पाई थी. तो ऑब्वियसली इंडियन मतलब वो कोच लाना मुश्किल होता है और, उनको पे करना और, बहुत हाँ, सारी फैसिलिटी देना ये तो वेरी डिफिकल्ट. हर किसी के लिए इंडिविजुअल कोच रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. प्लस एक बात और है कि अगर आप अमन का इंटरनेट इशू आ गया आई थिंक, तो चलो कोई नहीं, ये तो यार अलग चीज है कोच के ऊपर. बट अब ये इम्पोर्टेंट है कि भारत के लिए मिक्स डबल पेयर कोई भी नहीं है, और ये सबसे बड़ी दुविधा रही है कि जितने भी हम मैचेस देखते हैं ओपन हो रहे हैं मिक्स डबल पर सबसे पहले मैं चेक करता हूं पर्सनली. मुझे उम्मीद रहती है कि इस बार तो होगा कोई, बट वो पॉइंट वो होते ही नहीं है यार, क्योंकि क्या रीजन है मिक्स डबल नहीं ग्रो हो रहा है? एक्चुअली एक रीजन मैं बताता हूँ, डबल्स में पहले चिराग शेट्टी एंड उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया, यू नो काइंड ऑफ फर्स्ट रैंक है अभी, तो उनको टाइम लगा. वो फर्स्ट रैंक अगर आप देखोगे 2021 ओलंपिक में उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था, उन्होंने जो मैचेस होते हैं प्रीलिमिनरी मतलब यू नो टॉप क्वार्टर फाइनल तक नहीं गए थे, करेक्ट, आगे नहीं जा पाए थे. हां करेक्ट, तो वो तो फिर भी उनका रैंक नहीं था, यू नो टॉप 10 में तो रैंक नहीं था. उन्होंने टॉप 10 रैंक कब लाया? उनको 3 साल लग गए आने के लिए, करेक्ट. तो वैसे ही मिक्स डबल्स में भी अगर आप रैंक देखोगे तो उनका 40 रैंक जस्ट शुरू हुआ है डबल. पहले हम सिंगल पे ज्यादा फोकस करते थे, अब धीरे 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 ग्रोथ हो रहा है. अगर आप देखोगे तो डबल्स में हो रहा है, वुमेन्स डबल्स भी अभी यू नो टॉप 60 में हो सकता है आ जाए. तो मिक्स डबल्स में वो उसमें शायद पीछे हो गया, लेकिन आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है मिक्स डबल्स भी पहुंच जाएंगे. हालांकि 2024 में नहीं कर पाए, मे बी 2028 में तो डेफिनेटली हो जाएगा. एक सेकंड यहां पर कुछ कमेंट्स ले लेते हैं यार. किदांबी'स गेम इज डेड, प्रोनॉय इज अप एंड डाउन्स वाला सिस्टम है, किदांबी का डाउनफॉल चल रहा है. भाई किदांबी जी का मेरे हिसाब से कोई इसका आंसर करना चाहेगा, मैं फिर अपना आंसर मैं करना चाहूंगा. मतलब डेड तो नहीं हुआ है, कोई ऐसा कह रहा है कि गेम डेड हो गया, नहीं गेम डेड नहीं हुआ है. हाँ परफॉर्मेंस लो चल रही है उनकी थ्रू आउट द, अगर हम बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप भी देखें तो उनके ऊपर भी मतलब ऐसा था कि वो आराम से जीत सकते थे मैच को. भाई मेरे हिसाब से तो डेड क्या, वो उनको रिटायरमेंट ही लेनी चाहिए भाई, रिस्पेक्ट है, मैं उनको बहुत सपोर्ट करता था.
लेकिन फिलहाल अभी एक पीरियड ऐसा आ जाता है ना कि बंदा टाइमली रिटायरमेंट ले ले। क्रिकेट में हम देखते हैं जो क्रिकेटर्स नहीं चल रहे होते, जिनको खिलाया नहीं जा रहा होता, वो अपने आप ही चुपचाप रिटायरमेंट ले लेते हैं। उसमें कोई गलत चीज नहीं है, वो कोच कर सकते हैं यार, काफी अच्छे कोच करेंगे मुझे लगता है। बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि ना उनका अगर आप रैंक देखोगे 24th रैंक इट्स नॉट बैड। अगर आप देखोगे अगर 30 रैंक वाले अगर अभी भी अगर फॉरेन में जब आप जाओगे आप देखोगे अमेरिकन प्लेयर यूएसए को देखोगे यूएसए में तो देखोगे टॉप 40 में भी कोई प्लेयर नहीं है, फिर भी वो लोग अभी भी मैच खेल रहे हैं, यू नो काइंड ऑफ। फिर भी श्रीकांत 24 रैंक इट्स नॉट बैड। तो एक दो मैच हो गया, लेकिन मुझे लगता है उनको ना थोड़ा ब्रेक, मुझे लगता है ऐसे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए जैसे प्रणोय और उन्होंने किया। अगर आप ब्रेक लोगे तो मे बी यू नो कम बैक कर सकते हैं वो। और मेन चीज ये भी है कि अगर प्लेयर्स बाकी जैसे अभी हमने देखा प्रियांश रजावत, किरण जॉर्जी, मतलब इन लोगों का गेम काफी ज्यादा बेटर है। अगर ये बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में होते तो मतलब थोड़ा हमें और पुश मिलता किदांबी जी की जगह। हाँ, वही मुझे लगा ब्रेक लेना चाहिए, वो ब्रेक लेने के बाद हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना मतलब मेरे हिसाब से वो नहीं है। पर अब उनकी रैंक नहीं खेल रहे थे, लक्ष्य सर नहीं खेल रहे थे तो उन्होंने कमबैक कैसे, उन्होंने दो महीना आप पीवी सिंधु को देखोगे, पीवी सिंधु को भी बहुत लोग बोल रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। लियांग वैंग आर नॉट गुड पेयर्स, गुड पेयर्स दे वॉन मलेशियन ओपन बाय लक, इंडिया वर 11-3 अप इन डिसाइडर एंड रैंकी रेड्डी मेड मिस्टेक्स एंड इंडिया लॉस्ट द फाइनल। ओके They are world number 3 currently for a reason, right? So right, ये बात तो है। दूसरा है men singles में main competition between YQC और विदित सरन, एक्सेलसन, लक्ष्य सैन, प्रणोय इन ओलंपिक्स। भाई लक्ष्य और प्रणोय को तो आप अभी रख रहे हो फिलहाल, आज से पहले लक्ष्य को भी काउंट नहीं किया जा रहा था। प्रणोय अच्छे खिलाड़ी हैं, नो डाउट, बड़े प्लेयर्स को वो जल्दी किल करते हैं और छोटे मोटे प्लेयर से कई बार वो हार भी जाते हैं। विक्टर एक्सेलसन वो तो है ही ऑब्वियसली, मेन कंपटीशन कुल्ला वुत है भाई, लोकी सबसे बड़ी हर्डल हमारे लिए विक्टर एक्सेलसन ही रहने वाली है। चल भाई, नहीं वैसे विक्टर एक्सेलसन को इंडियन प्लेयर्स ने, इंडियन शटलर्स ने हराया है काफी बार। यू सी क्यू जो है मतलब 100 बार ही हरा है, कंफर्म नहीं है उनका कि मतलब कोई ऐसा खिलाड़ी है जो बार बार हरा रहा हूँ बार बार तो भाई वो हारते ही नहीं, वो किसी से नहीं हारते बार बार। तो फिलहाल मतलब तभी वर्ल्ड नंबर 1 पे ये कप एक तरफा गेम चल रहा है मेन सिंगल्स में, मतलब पूरा एक गुंडा बने हुए हैं विक्टर एक्सेलसन। मैंने एक चीज देखी थी लेकिन विक्टर एक्सेलसन की जितनी रैंकिंग पॉइंट्स है ना, हां एन सियोंग के भाई उनसे कम मैचेस में उनके रैंकिंग पॉइंट्स उससे ज्यादा हो चुके हैं भाई। एन सियोंग ये अकाने यामा कुछ ही, मतलब ये इतने कंसिस्टेंट है ना भाई, इतने कंसिस्टेंट है। विक्टर एक्सेलसन फिर भी बहुत मैचेस छोड़ते हैं, बहुत मैचेस नॉर्मल मैचेस छोड़ते रहते हैं वो, बट एन सियोंग और अकाने यामा। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, आप लोग में से आपको कौन लगता है सिंगल वुमेन सिंगल मेन सिंगल और मेन्स डबल में से गोल्ड ब्रॉन्ज या सिल्वर ओलंपिक में किसके ज्यादा चांस है? एक-एक करके बताओ, एक-एक करके पहले विशाल भाई से शुरू करते हैं। वोटिंग, विशाल भाई वुमेन सिंगल्स से बताओ, वुमेन सिंगल्स में क्या लगता है भाई? वुमेन सिंगल्स में बोले तो मुझे लगता है कि पीवी सिंधु का यार ब्रॉन्ज या सिल्वर मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एन सियोंग इस बार गोल्ड जरूर जीतेगी। वो दिख रहा है एक साल से अकाने यामागुची और पीवी सिंधु इसी ऑर्डर में, पीवी सिंधु को थर्ड में रखा है क्योंकि अभी जैसे मतलब प्रीवियस मैं बस प्रीवियस मैचेस के उससे कह रहा हूं, बाकी अगर देखेंगे तो भाई मैं तो चाहता हूं इंडिया के लिए गोल्ड है, पीवी सिंधु गोल्ड ही लाए, बट वही है कि अभी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देखें तो पीवी सिंधु अभी थर्ड पे भी मतलब मुश्किल है। आई थिंक केन यूकी का भी चांस अच्छा है, आई थिंक शी कैन विन द गोल्ड इन ओलंपिक्स। कौन केन यूकी, प्लेयर चाइना,
चाइना आज चैन यूफी को तो सबने पीछे ही छोड़ दिया भाई, अभी तो मेन कंटेंडर तो वही है तिर्थिस। हां मुझे वुमेन्स ओके कैरोलिना मार्टिन भी अच्छा चल रही है। हाँ मैं वही बोल रहा था, कैरोलिना भी क्योंकि उन्होंने एक बार गोल्ड जीता था इसी यही मैच, उन्होंने अच्छा नहीं खेला और भी लास्ट जो भी मैच हुआ ना वो टॉप मतलब वो सेमीफाइनल फाइनल खेली है वो भी भाई वैसे अनप्रेडिक्टेबल है पर्नोवाचेस की तरह। एक मिनट त्रितेश कुछ कह रहे थे। Yeah, so I personally feel the only person who can challenge An Se-young is Chen Yufei or He Bingjiao. So either the final will likely be between An Se-young and Chen Yufei. So whoever, you know, does the best will win. Other than that, the Fab Four, Tai Zuing and Akane Yamaguchi, either of these will win the bronze. राइट तो मतलब एन से योंग का तो हो गया, बाकी मेंस डबल्स में कितने लोग श्योर हैं भाई कि सैची ही गोल्ड जीतेंगे? मुझे तो चिराग शेट्टी लाइक उनको एक मेडल तो मुझे लग रहा है यार कंफर्म है, बट गोल्ड है चिराग शेट्टी गोल्ड या सिल्वर नो डाउट भाई, हमारे कमेंट सेक्शन में सब यही बोल रहे हैं गोल्ड गोल्ड गोल्ड। वी डोंट नो, हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि ओलंपिक में कुछ भी हो सकता है, अगर उनका एक गेम खराब हो गया तो मतलब बाहर, ऐसा भी होता है। बट द काइंड ऑफ गेम दे आर कैरिंग करंटली, अगर गोल्ड से कुछ नीचे तो कुछ वैसे भी नहीं डिजर्व करते, कम से कम सिल्वर तो जीतेंगे ही, दे आर मेकिंग इट। बाकी इंडिया का सपोर्ट रहेगा तो गोल्ड और सिल्वर एक वही है टीम इंडिया, नहीं टक्कर कौन देगा भाई। इंडिया ओपन में जो हुआ था जिनके खिलाफ आज मैच होने वाला है कोरिया के खिलाफ, क्या ये टक्कर देंगे या कौन टक्कर देगा? कैंग सीओ है, लियांग वांग है चाइना के, दो प्लेयर हैं, डेनिस प्लेयर, दो डेनिस प्लेयर्स हैं, किम एंडर्स आई थिंक, हां किम एंडर्स, एंड आई थिंक ये गोल्ड पोडियम फिनिश भी इन्हीं चारों में से तीन ही करेंगे। हेलो निर्भय भाई, निर्भय भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निर्भय भाई फिलहाल आप थोड़ा सा लेट आया, तो यहाँ पर मैं बता दूँ थोड़ा सा डिस्कशंस चल रही हैं जिसमें आप भी अब पार्टिसिपेट करो। तो मैन सिंगल मैन डबल्स तो हो गया, ठीक है मैन डबल्स का तो क्लियर ही है फिलहाल, लेकिन उसमें मैन सिंगल्स में क्या चांस है, कौन जीत सकता है? शायद उनके पास अभी माइक लगा नहीं है, आवाज शायद आना, कोई बात नहीं लग जाएगा। मैन सिंगल्स में क्या लगता है भाई, क्या विक्टर एक्सेलसन का गोल्ड एक साइड कर देते हैं तो सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए कौन जाएगा? विक्टर माइट नॉट विन द गोल्ड आई गेस, सीओसी विल विन द गोल्ड एंड ही विल लाइकली बीट विक्टर इन द फाइनल, बिकॉज सीओसी एट हिज बेस्ट हैज शोन दैट ही कैन बीट विक्टर, एंड चाइनीज प्लेयर्स इन ओलंपिक्स इवेंट्स आर टोटली डिफरेंट स्पीशीज, सो बट अगर हम देखें तो कैंटा तो उसने हम अभी बहुत अच्छा चल रहे हैं यार इस बार, मतलब इस वाले में नहीं बट प्रीवियस मैचेस में उन्होंने काफी बड़े-बड़े खिलाड़ियों को हरा दिया है। बट मुझे ना एंडरसन का भी चांस लग रहा है, आई डोंट नो क्योंकि वो भी प्लेयर बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है विक्टर एक्सेलसन के साथ प्रैक्टिस उनके साथ ही आज उनके साथ ही मैच है लक्ष्य सेन का, तो आज थोड़ा डर लग रहा है आज मानू पड़ जाएगा क्योंकि वो मैंने भी देखा वो हमेशा सेमीफाइनल फाइनल तक आते हैं। नहीं एंडरसन एंथनसन का गेम प्रीवियस कुछ मैचेस से बहुत ही ज्यादा मतलब बेहतर होता जा रहा है और मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस चल रही है, पेरिस ओलंपिक की वर्ल्ड रैंकिंग थर्ड है। नहीं डेनमार्क वैसे मेंस में अच्छा ही कर रहा है डबल्स और सिंगल्स में, मुझे लग रहा है अभी रिसेंटली आई गेस हमारे किरण जॉर्जी वगैरह भी विक्टर एक्सेलसन के साथ कुछ प्रैक्टिस करके आए थे ना कुछ कैंप वैम आयुष यहां पर कौन रिसेंटली किरण जॉर्जी और एक और प्लेयर प्रियांशु रजावत विक्टर एक्सेलसन के साथ, मतलब कि पहले की बात है ये सी। अच्छा हां शायद किरण जॉर्ज डेड, बट मुझे राणा मुझे क्लेरिफिकेशन करना था कि अभी जो ओलंपिक जो आने वाले हैं अभी वो हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि टॉप 16 में मतलब इसका गेम क्या होगा, जैसे मेन डबल्स में टॉप 16 जाएंगे करेक्ट, मींस 16 पेयर जाएगी राइट तो 16 पेयर में से जो चार टीम बनेगी उसमें से हर एक टीम में से चार चार पेयर होंगे करेक्ट करेक्ट त्रितेश या सो
in the men's doubles, max they can send is two pairs if they are in the top eight. In all the doubles, if max two pairs if they are in the top eight. And for singles, max two players in top 16. So, no, I'm saying like top 16 will go, right? Or top 8 will go? Top 16. In doubles, two players, two pairs max, if they are in top 8. So, like, for example, China has Liu and He Ren in top 8. So, both of them will go, like, to the Olympics. Correct. अगर चाइना के जैसे तीन प्लेयर टॉप एट में होते तो फिर तब भी दो ही जाते उनकी कंट्री से, तो फिर वो एक बार राइट लेकिन डबल्स में ऐसा होता है ना कि ग्रुप बनते हैं, चार चार के चार ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप होगा, राइट ग्रुप बनेगा, राइट ग्रुप, हाँ ग्रुप बनेगा चार, उसके लिए ड्रॉ शायद ओलंपिक्स टाइम पे निकलेगा आई गेस। हाँ, उसका ड्रॉ होगा, प्रीलिमिनरी राउंड होगा उसमें, लाइक 2021 में तो यही हुआ था कि जैसे डबल्स में ए बी सी डी, ए में चार प्लेयर, बी में चार, सी में चार, डी में चार, एंड उसमें से टॉप टू जो सेलेक्ट होंगे एंड दे विल गो फॉर द क्वार्टर फाइनल, दैट्स हाउ आई चेक इन द 2021 ओलंपिक। बट फॉर द मेन इट्स कॉम्प्लीट, आई डोंट नो, इट्स लाइक आई सी मेंस के अंदर एफ ग्रुप, एफ पी पी तक बने थे, उसमें हर एक ग्रुप में तीन तीन प्लेयर थे, वो मुझे भी समझ में नहीं आया। हाँ, but हाँ, actually it's very difficult to understand that, how देश को आइडिया होगा। Men singles has 14 seeds, तो the top two seeds के ग्रुप में there will be four players. For example, Victor Axelsen and Shiyoshi के ग्रुप में there will be four players and they'll directly go to the quarter finals if they win their this right. group. So, Okay. The Olympics have decided. They say, what should be one in-depth performance in next Thomas Cup, which is going to happen in April? But see, in our previous Thomas Cup, we had Pranoy as MS3, which was a huge boost for us. But currently, Pranoy is our MS1, and he isn't at his best. Like, he isn't currently at his best. Plus, we likely will have either Srikanth or Lakshya as our MS2. So, if that point, we can make sure that we get it. Along with MD1, Sakshi, they can beat almost, any pair right now. But our MS3 and MD2... I wanted to ask, what are the chances of Kidambi Srikanth? Matlab, kitna unka out of form chal raha hai aur... क्या लगता है, लाइक यू नो ये मतलब इज लाइक के वो इंडियन प्लेयर को हरा देते हैं, आगे चले जाते हैं, बट यू नो आफ्टर व्हेन इट मैटर्स इट ही डजंट परफॉर्म, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, लाइक भाई किताबी सेट के हैं, नहीं ओलंपिक तक तो नहीं है क्योंकि लक्ष्य सेन ज्यादा डिजर्विंग है मेरे हिसाब से अभी। नहीं, ओलंपिक में वो जाएंगे, ओलंपिक में ड्रॉ में उनका नाम रहेगा क्योंकि वो 24th रैंक पे है, वो तो है, बट कौन ओलंपिक में जाएंगे, किदांबी जी दो ही जाएंगे ना, प्रणय जाएंगे और लक्ष्य सेन ओलंपिक, लक्ष्य सेन एंड प्रणय ऑलरेडी है, लक्ष्य सेन और किदांबी का मैच हुआ था एशियन गेम्स में और किदांबी जीत गया था, बट देन व्हेन इट मैटर्ड ही लॉस, अदरवाइज इट्स लाइक के लक्ष्य सेन अगर जीत जाता सो ही वुड हैव एश्योर्ड एटलीस्ट द मेडल द वे ही प्लेस, क्योंकि उन्होंने एंड ऑफ कोर्स एचएस प्रणय एवरीबॉडी नोस ही इज अ जायंट किलर, बट लक्ष्य सेन होता तो दो मॉडल भी आ सकता था आराम से, हां वही इंडिया का फाइनल हो जाता प्रोबब्ली, ऐसे टाइम पे सब लोग कह रहे थे प्रियांशु रजावत भी होता तो भी जीत जाते, मतलब बाकी कोई सर किरण जॉर्जी और मतलब कोई भी मेन सिंगल्स होता वो तो वो मैच जीत सकते, वो किदांबी श्रीकांत भी मतलब इजीली जीत सकते थे वो मैच, मतलब लगा लो 6 पॉइंट्स की लीड थी उनके पास, पता नहीं क्या हुआ वो उसने यार इतना लीड ले ली उनके ओपोनेंट ने कहां से, ये बैडमिंटन में होता ही है वैसे कई बार जब आप एक दबाव बनने लगता था ना, अतितेश पहले कुछ कह रहे थे, हाँ सो मतलब वही लाइक यू नो श्रीकांत हैज नेवर यू नो वन अगेंस्ट मोमोटा आई गेस द पर्सन द प्लेयर अगेंस्ट होम ही लॉस्ट ना, सो एट द 19th पॉइंट डोंट नो व्हाट हैपेंस टू हिम बट ही विल लूज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लीड,
but that has been improved in the past two matches, at least in the French Open. Like, I know he lost ultimately, but his mental temperament is improving a bit with Parupalli Kashyap as his coach. Did you hurt when he lost that match, Asian Cup? Asian Games. Yeah, it's like my heart was hurting, literally. And we saw a picture of his. Like, he was literally crying, like, you know, when his fans went to meet him. So it did affect him also a lot. ये चीज टीम गेम में हर बार होती है, चाहे आप फुटबॉल देख लो, क्रिकेट देख लो या वॉलीबॉल देख लो. अगर आपकी वजह से अगर मतलब पूरी टीम हारती है तो मतलब उस प्लेयर को बहुत ज्यादा दुख होता है. आई रिमेम्बर स्टाफ चैंपियनशिप में उगांडा एक पेनल्टी मिस किया था, तो लोग इतने पागल हो गए थे. बेंगलोर में ही हो रहा था और बेंगलोर में इतना गाली दे रहे थे उसको, मतलब इट्स लाइक उगांडा उगांडा लाइक दैट. जो वुमेन्स हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर हुआ था, राइट, अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट जब वो टाई हो गया था, यू नो, तो आई डोंट रिमेम्बर दैट लेडी, उन्होंने मिस कर दिया था पेनाल्टी स्ट्रोक. तो शॉकिंग. और हॉकी में तो बहुत होता है, विशाल जी को पता ही होगा. विशाल जी कमेंट्री करते हैं हॉकी की हर बार, कि हॉकी का न्यूजीलैंड के साथ हार रहे हैं, इतनी बार हार रहे हैं. विशाल जी का रिएक्शन देखने लायक होता है. अरे यार कमेंट, अरे यार क्या कर दिया की भैंस की. वो बहुत एंटरटेनिंग होता है सबके लिए. तो भाई प्लेयर को मतलब विकास भाई इंटरनेट इशू है. ओ सॉरी. ओके, तो यहाँ पर एक तो कमेंट्स आ रहे हैं भाई, त्रितेश की बहुत तारीफ की जा रही है. सारे यहाँ पर त्रितेश को कह रहे हैं बोलने दो. आवाज है त्रितेश भाई, त्रितेश म्यूट पे चला गया कि छोटे चीज के लिए मिस कर दिया. तो क्योंकि त्रितेश वैसे जस्ट बैडमिंटन के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है, और ये काफी समय से जो फॉलो कर रहे हैं बैडमिंटन को, ना कि सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरा ही फॉलो कर रहे हैं, और इनको सभी जानते भी हैं. तो बढ़िया, कुछ क्वेश्चन हो तो भाई पूछो यहाँ पर त्रितेश से रिलेटेड कुछ. त्रितेश भाई कमेंट्स तो दिख रहे होंगे ना आपको. यू कैन आंसर एनीवन कमेंट, अगर कोई भी कमेंट आंसर देना हो तो आप दे सकते हो. डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. माय सॉन्ग्स लिखते हैं त्रितु, डोंट बी शाय. त्रितु डोंट बी शाय. कहाँ मिलेगी रैंकिंग भाई? हाँ बोलो भाई, मैं रैंकिंग लिंक दे देता हूँ. You can get the rankings on tournamentsoftware.com. वहाँ पे ranking section में you'll get the exactly. That is ranking. मैंने दे दिया link. एक I see कि मनन तिवारी पूछ रहे हैं कि विकास भाई only two players from a country can qualify. If yes, then Lakshya has a better chance. Of course, two player already. Pranay is already in 7th rank and Lakshya maybe will cross 14th rank maybe end of this match, means French Open. So they will definitely qualify for the Olympics. And Kidambi is 24, so maybe he has to go to the preliminary round. So on based on that, maybe he can qualify. Yeah. Okay, so iske baad aur kuch baat karni hai to bataiye bhai, kuch aur topic kisi ke paas ho. बट आई थिंक अनमोल खरब एंड जो दूसरे थे आई डोंट नो द नेम, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, द राइजिंग स्टार्स के बारे में बात करना. एक और थे चैंपियनशिप में थी. हाँ व्हाट्स मालविका बंसोड. मालविका बंसोड नो, अस्मिता चलिया. अस्मिता चलिया एक्चुअली वन गेम इन बोथ. तो ये जो राइजिंग स्टार हैं, what's your view on Uber Cup? I mean, that Anmol Kharab has a great performance. Is she playing in that or even PV Sindhu? Like, usually, Bai holds selection trials before Thomas and Uber Cups. So, but I hope, considering how we performed at the BATC, they just send the same team here as well. Because it won't make that much of a difference. So, you know, if we have the same team,
and China and Japan and Korea, they likely might not send their top players here as well, because China will go under hibernation and, you know, they'll directly play the Olympics post the Badminton Asia Championships. So we can do well here as well. A bronze medal would be, you know, the best we can perform here. Okay, as per you, what should be the proposed lineup for the Indian women team in the Uber Cup? I guess if by rankings, Tressa Gayatri overtake Ashwini Tanisha, they should be our women's doubles one. Sindhu can be our women's singles one, obviously. And considering she didn't used to play a lot of team events, but after the BATC, I feel like she'll play the Uber Cup as well. So, Sindhu, Tressa Gayatri, and women singles too. I feel like Ashmita Chalia, like, I know she might be very error prone, but she is our best bet currently. Or Unnati Hoda, if she's available. Ashton can be our women's doubles too. I also think कि पीवी सिंधु इज बैक इन फॉर्म लाइक अभी दिख रहा है कि शी इज कमिंग बैक इन फॉर्म धीरे-धीरे पहले से बेटर ऑब्वियसली एश 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 पॉन की तो जोड़ी है ही हमें जैसे साची की जोड़ी है सो वी कैन ऑलवेज काउंट ऑन दैट बिकॉज़ इट्स लाइक अ बेटर दे हैव मोर एक्सपीरियंस बट इवन ऑन द अदर हैंड न्यू प्लेयर्स लाइक लक्ष्य सेन एचएस प्रणॉय एंड क्या कहते हैं अनमोल खरब सो इट्स लाइक बैलेंस टीम जा रही है इस बार दैट्स व्हाट आई थिंक नहीं अभी तो कोई नोटिफिकेशन या नोटिस नहीं आया बाई के वेबसाइट पे यूजुअली दे विल पुट इट अ मंथ और सो अगो फॉर द सिलेक्शन ट्रायल्स ओके ओके अच्छा इसके लिए ट्रायल्स होते हैं रैंकिंग बेस्ड नहीं होता ना पार्ट रैंकिंग फॉर एग्जांपल प्रणॉय साक्षी एंड ऑल दे विल गेट डायरेक्ट क्वालिफिकेशन Other players like Srikant Lakshya will have to play the trials. Rana, Trijal is asking Vikas bhai, what are the next badminton events? So guys, from 12th onwards, there will be next match, All England Open. And after that, maybe Spain and other Swiss. I think three matches are remaining before the, before like All the ranking, Masters considers ranking. Yeah. So, तीन मैच बचे हुए हैं अभी अभी ऑल इंग्लैंड है एंड देन स्पेन एंड देन स्विस ओपन ऑरलेंस मास्टर एक और है चार है सुपर 300 सुपर 100 ये छोटे-छोटे टूर्नामेंट है द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई थिंक ऑल इंग्लैंड ओपन सुपर 1000 विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सो थिंक दिस व्हाट यू बी ऑन दैट एक्चुअली व्हाट अबाउट द पार्टिसिपेशन एंड यू नो व्हाट्स द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स Am I audible? Yeah, audible. सबसे मेरे को तो टेंशन आ रहा है क्योंकि अभी श्रीकांत का पहला मैच इंग्लैंड ओपन में विक्टर के साथ करो या मरो वाली स्थिति है भाई आई थिंक नहीं मरो वाली स्थिति ज्यादा है मरो नहीं आई बेट श्रीकांत इज विनिंग दिस टाइम एक्सेलसन फर्स्ट राउंड की बार देखो याद है लक्ष्य सेन का मैच विक्टर एक्सेलसन के साथ क्या मैच था वो दैट वाज लाइक नेक टू नेक एकदम बट स्टिल उसने उसको हराया एंड कैसे हराया था मतलब मेरे को आई स्टिल रिमेंबर उसका रिएक्शन बैडमिंटन रैकेट फेंक दिया एंड ऑल दैट सो मुझे त्रिदेश एक 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 क्वेश्चन पूछना था आपको क्या लगता है वुमेन्स डबल ओलंपिक क्वालीफाई कर लेगी टॉप I personally feel there are high chances that Tressa and Gayatri might overtake Ashwini Tanisha to qualify for the spot. Considering that they have a very good record at All England. They have reached semi-finals in both the All England that they have played consecutively. Mm-hmm. And the conditions there favour them a lot. So if they reach the semis again this time, more or less, you know, they can overtake Ashwini and Tanisha. आई वॉन्टेड टू आस्क तीर्थेश ये जो डबल्स की जोड़ी बनती है ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर बनती है बोथ ऑफ द पार्टनर्स शुड कंप्लीट ईच अदर और लाइक बोथ ऑफ देम शुड बी अग्रेसिव वन डे
ऑल्सो मिक्स डबल्स के बारे में भी बताना इसमें. सो यूजली बोथ द प्लेयर्स शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर फर्स्ट ऑफ ऑल. दैट बॉन्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट बट यू नो दैट शुड बी देयर. And apart from that, one of the players should be a front court player and the other should be good at the back court. So that way they both can complement each other. For example, Sakshi, if you take the example, Chirag usually is the player at the front court and Satwik would smash from the back court. Which is a smash, yeah. So Abhi, Mathias, Boke under both of them are like, you know, exchanging their roles. Like Abhi, you will see Satwik also playing more and more at the front, and Chirag will come back from the back and smash it. So mixed doubles mein usually the male partner would be at the back and the female partner would be at the front, like, you know, front, she'll play along with the net quite well. So if Ashwini and Satwik were a pair, if you would have noticed, Satwik would come from the back and smash. So despite Ashwini being a naturally back court player in women's doubles, in mixed doubles she used to play the front court. फ्रंट कोर्ट की ये मिक्स डबल में आई थिंक इंग्लैंड का जो एक जोड़ी स्मिथ एंड समवन उसका आई थिंक या आई थिंक वो काफी आगे. बाकी मिक्स डबल्स तो आई डोंट नो के व्हाट्स हैपनिंग. भाई यहां पर एक कमेंट आया है, हस्बैंड वाइफ अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड इन डबल्स. तो लाइक वो थ्री थाईलैंड के जैसे वो पेयर है ना, वो शायद हस्बैंड वाइफ है. देचापुल देचापुल पुरवानु क्रोएन साहब सीरी तेरे तरह. Someone has written Gayatri is worst. I'm saying if Gayatri is worst, then how she is making into top 15-16 ranking? See, Gayatri might need a lot of improvement, no doubt. But when she is at her best, the level of reading of the game she has, like, she, while they were playing the Japanese pair of Nami Shida, the way she was reading the game and adapting to it at that time, like, that played a huge role, like, you know, in our victory. Agreed that she doesn't have that smash power or, like, you know, she can't kill easily. Strength nahi hai, like, you know, unme. But she has that good reading of the game. Yeah. And also, I wanted to ask Gayatri Gopichand related to Pulela Gopichand in any way? She's her daughter. She's his daughter. His daughter, okay. So, how much? एक सेकंड, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कमेंट से. यहाँ पर रोनेसी नाम से पूछ रहे हैं, व्हाट्स प्लान अगेंस्ट कैंसियो? आई थिंक सैची हैव एज हियर दिस टाइम. सैची फेवरेट फॉर टाइटल. भाई पिछले इंडिया ओपन में जब इन्होंने खेला था तो मैं खुद वहां पर मैच देखने गया था और मुझे लग ही रहा था कि हरा देंगे, लेकिन वो मैच हम हार गए थे और यही प्लेयर के वो अगेंस्ट हम हारे थे. बिकॉज़ कांगसियो हैव सुपर डिफेंसिव स्किल्स. कितना भी आप स्मैश मारोगे ना, आपको वापस ही मिलेगा. बहुत प्यार से बहुत. सो अदर देन दैट, राइट, अदर देन दैट, सियो सुंग जे, he plays the mixed doubles as well, so the placements and the other skills of the mixed doubles he would bring into the men's doubles as well. So that is a very apart from that, Kang Min Yuk also attacks well, so that defense match with attack is a huge threat to Sachin. वेरी बैड हिस्ट्री विद कोचेस. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल किम जी योन हु वाज सिंधुस कोच, शी लेफ्ट बिफोर हर टेन्योर. मोलियो हांडे वाज सिंगल्स कोच, left before their tenure. And other than that Tan Kim Her, they also left before their tenure. So amongst the coaches, India doesn't have a good impression, you know, that, you know, they are not willing to stay
post their tenure because they feel that Indian players are not disciplined. Like, that's their perspective. So, that's why I feel no one is ready. Indian players भी नहीं, यहाँ पर audience का भी कुछ impact पड़ जाता है, जिसकी वजह से कोचेस को जाना ही पड़ता है छोड़कर। हॉकी में तो हमने देखा ही, अभी फिलहाल कुछ ना कुछ रीजन बनाकर चली गई है कोच। मतलब ये हो सकता है, जो ऑडियंस होती है उसकी जो कमेंट्स होते हैं उससे प्लेयर की साइकोलॉजी पे काफी इफेक्ट पड़ता है, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से भी कोचेस को प्रॉब्लम आती हो। अगर विशाल जी आपको याद हो तो जब पीवी सिंधु का कोच जो कोरियन वाले थे उन्होंने रिजाइन किया था और उनके न्यू कोच आए थे, तो शी स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग बहुत ज्यादा, तब से उनका डिक्लाइन हुआ था। और मैंने आपके मुंह से भी सुना कि ये एक रीजन हो सकता है उनके अंडर परफॉर्मिंग का। उनका उस टाइम पे आई गेस इंजरी भी चल रही थी काफी, आई गेस एंकल में इंजरी थी उनके उस टाइम पे जब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था, So Misha is around 40 and Svetlana is around 60 or 65. Still they tend to play sometimes. My God. अरे पाकिस्तान का भी है एक, मैंने देखा है दे उसमें भी एक मेल प्लेयर है जो ऐसा करता है। एनीवेज सो तीर्थेश, आई वांटेड टू आस्क यार, ताई सू जिंग जो कि पीवी सिंधु के साथ मतलब अगेंस्ट बहुत खेलती है, और कैरोलिना मारिन, और दे हैव दिस काइंड ऑफ डिसेप्शन प्ले एंड सर्विस में भी वो दिखता है हमें। सो हाउ मच डज दैट मैटर इन टुडेज गेम वेर यू कंपेयर्ड टू एग्रेसिव प्लेयर लाइक सेची, और वो इफ इज इट अ काउंटर टू देयर गेम प्ले अगर डिसेप्शन यूज करें। हां सी इट सिंधु टिल डेट सी हैज अ प्रॉब्लम रीडिंग डिसेप्शन, हर गेम रीडिंग एबिलिटी इज वेरी बैड। तो आपने अगर देखा होगा कोई भी चैलेंजेस हुए रहेंगे ना, लाइक शटल आउट जाता है या इन जाता है, तो सिंधु वुड हैव द सिंधु वुड यूजुअली लूज हर चैलेंजेस बिकॉज शी कैन नॉट रीड द गेम वेल, उसकी वजह से हर डिसेप्शन रीडिंग एबिलिटी इज वेरी बैड। बट इफ यू हैड टेक अ लुक एट हर प्रीवियस गेम अगेंस्ट चेन्नई, she is now using deceptions in her game as well. That is something very new, jo Prakash Padukone had brought into her game. So let's see, like, you know, deception plays a huge role, but if you can read it well, you can counter attack it well as well. But I don't think doubles mein itna hota hoga, kyunki doubles mein is like a kam time milta hai, but then all ke आपके पास अगर स्लो आ रहा है डिसेप्शन आ रहा है तो योर पार्टनर कैन टेक इट, व्हाट डू यू थिंक? या लाइक बट स्टिल लाइक यू नो मेनी डबल्स प्लेयर आर डिसेप्टिव एज वेल, बट एज यू सेड लाइक यू नो इट्स अ डबल्स गेम, सो द अदर प्लेयर लाइकली विल कवर अप फॉर द मिस्टेक्स ऑफ द फॉर्मर प्लेयर। या बट रिसेंटली आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, exactly, like that is what surprised me as well, because Sindhu getting challenges right is something out of the box. So you know, when she is in her zone, she'll do everything, you know, in her ability to, you know, win the match. For this out of the box thinking, I think training bhi out of the box hi diya hoga unhe, otherwise normal karta rehta hai, to she gets used to the game, so then brain also get used to. So probably training भी ऐसा दिया होगा जो ये implement किया, I think. थोड़ा changes तो दिखे ही हैं वैसे, और उम्मीद है कि England Open में इससे भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर एक और है, today CEO will play mixed double first, hoping he will get exhausted before Sachi match. I mean CEO Sanjay has medaled at the World Championships playing mixed doubles and men's doubles both. And he has medaled in both IAs, if I'm not wrong. So, the amount of recovery that the East Asians have is super. But yeah, like,
he will get fatigued a bit, but usually Kangmin Yuk carries Seo Sungjae if he's tired. Still, high chances that they'll give a tough fight to Sachin. Mm-hmm. Okay, one more question. Who's gonna explain why badminton? I think BWF is consistently failing to make the badminton as a global sport. I feel the language barrier is one of the biggest hurdles. That East Asian don't know how to speak a proper English. You know, is it making any difference? Players need to find sponsors for themselves, like for example in India, and in that case they need to learn how to present themselves amongst this. So if you had noticed Sindhu's recent story, PSG, which is a football club, they sent Sindhu an invitation to watch their match. So Sindhu at this point has such ability or capability that she can put herself, she is a brand in herself. And if you had noticed, no other player can match her at this point. Once I remember, I think PB Sindhu was in top 10 richest athletes in the world. I think women category. She was in 2018 or 19. She was at the 8th place. I don't know a single, you know, women athlete from the badminton arena जिसने ये करके दिखाया हो. Okay. So guys, how much you expect medals in badminton for this Olympic medal? मैंने यही तीन चीज यहाँ पर पोल दिया था. पोल में सबसे ज्यादा जो है वो दो मेडल्स को दिए गए हैं 38% I also think Sachi and probably HS Pranoy और पीवी सिंधु का तो अगर आ गया तो वेरी नाइस. हाँ, क्योंकि इसके बाद फिर थ्री को ही सबसे ज्यादा पोल दिए गए हैं. तो दो मेडल तो कंफर्म्ड लग ही रहे हैं कि आ जाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. So like Aman, how much you expecting in this Olympic? मुझे तीन लग रहे हैं. Badminton में okay. Men singles, women singles, and men's double. 2-3 Sachi and then HS Pranoy and probably PV Sindhu. क्योंकि वो दो Olympic से ला रही है medal, but उसका gold missing है. तो अगर वो आ जाए तो she has a full medal kitty. And Tritesh, you? 2 or 3 max. Men's doubles. Men singles if and only if Lakshya goes, and either of women singles or women's doubles only if Trisha and Gayatri go. So 2 or 3 max. Abhishek, you? Okay, my last question actually. So जैसे कि प्री कोविड हमारा बैडमिंटन जिस लेवल पे था या पोस्ट कोविड जिस लेवल पे है, तो क्या कॉन्स एंड प्रोज हैं जो प्री कोविड थे और पोस्ट कोविड थे? Actually, I mean, post-COVID, we have seen that Sattvic Chirag rise, okay? And pre-COVID, we have seen Srikant and PB Sindhu, next level game tha. So, aur kya matlab differences hai, pros and cons, jo hum miss kar rahe hai, post-COVID, ya jo pehle tha better? Matlab wahi na ki, usse COVID matlab ki Olympics ke baad hi hai. Matlab ki Olympics ke, matlab Olympics postponed ho gaye the COVID ki wajah se. कोविड में तो यार सैफची क्वार्टर फाइनल वैसे भी नहीं पहुंचे थे. नहीं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन कंटिजेंट परफॉर्मेंस. आई मीन जैसे कि पोस्ट प्री कोविड में हमारे पास जो प्रोज एंड कॉन्स क्या थे और क्या हमने लूज किया आफ्टर द पोस्ट कोविड. प्रोन एंड कॉन्स तो एज सच आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा. साइना नेहवाल रिटायरमेंट ले लिया या क्या, आई डोंट नो. शी इज नॉट प्लेइंग. एशियन गेम में या किसी में उनको इंजरी हो गई थी इन बिटवीन द गेम और शी रिटायर्ड. हर्ट दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर. तो कमेंट भी आ रहा है प्री कोविड सिंगल्स में बेटर थे एंड अब डबल्स में बेटर है.
Ritesh, I also wanted to ask one final thing. Talking about Eastern countries and Western countries, according to you, क्या difference है दोनों के gameplay में और mindset में? मैं अपना opinion दे देता हूँ इसमें. मेरे को लगता है कि जो Western countries है, they are more prominent in mind games, और Eastern countries are more into power game or you know something like that. अगर आप एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज का बात करोगे तो दिल हैव हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ऑफ 5 to 6 hours और 2 to 3 hours एट अ स्ट्रेच एक साथ. और अगर आप मथायस बोग फॉर एग्जांपल, व्हाट ही बॉट इन टू साक्षी इज ही कीप 15 टू 20 मिनट्स ऑफ हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग बट दिल कीप लॉट्स ऑफ ब्रेक्स इन बिटवीन. फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट्स हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग विथ अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स and so on for longer durations. So western countries are, as someone said, they are more into power, and eastern countries are more into skill set, like for example deception Indonesians are a mix of both of them. Both, yeah. Thailand also like that. Yeah, I want to ask, like, because of like I want to start, like, how our badminton's grown up, like in the championships, say example, like because of Gopichand impact very much into the badminton level or what? Right. Hello, Tritesh. Gopichand. Yes. Nahin, sorry, yaar. I missed it. So I want to ask, like, because of Gopichand, you know, he has started his badminton club and coach every our badminton things are upward, right? Like Saina Nehwal and PV Sindhu. So because of them, what you think? Gopichand and Prakash Padukone, both, you know, they played a huge role. Especially Pulela Gopichand, he was a pioneer. Like, you know, he had to go through so many difficulties to built his own academy, and yet when he built it, we'll see, like, he focused on both singles and doubles as well. So by, like, you know, I say not just Saina but Ashwini Jwala and Saina Sindhu, Ashwini Jwala, and men singles, many players like Parupalli Kashyap. So he focuses on both doubles and singles, whereas in Indian badminton community पहले सिंगल्स को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था रादर देन डबल्स. सो ही वाज द वन, यू नो, हु काइंड ऑफ चेंज दैट सिनेरियो एज वेल. ओके, ठीक है. तो चलो एक लास्ट अपना बता दो कि कितने शटलर्स जाने वाले हैं, क्या लगता है? और कोई भाई, क्या इस बार 100 एथलीट हो पाएंगे क्वालिफाई? इसका मैं बता देता हूं, 100 एथलीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अमन भाई का फेवरेट टॉपिक है. भाई अमन भाई खुद कोचिंग देते हैं इस पे, तो इसीलिए एथलेटिक्स में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग पर्टिकुलर एक एक चीजों पे कवर करेंगे. तो पहले अगर जैवलिन थ्रो रखना है, यार एथलेटिक्स का करना हो तो 2 घंटे चाहिए. बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है. पूरा एथलेटिक्स नहीं करेंगे हम लोग, उसको डिवाइड करके करेंगे. जैसे अगर रनिंग इवेंट तो रनिंग इवेंट्स में देखेंगे, तो लॉन्ग रनिंग अलग करेंगे, शॉर्ट अलग, ट्रैक एंड फील्ड. हां जी, अननोन सही बोल रहे हो, ठीक है. चलो किसी का कोई कमेंट हो तो लेते हैं, अदरवाइज फिर इसको खत्म करते हैं, बहुत लंबा सेशन हो चुका है. रितेश भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और हमारे थैंक यू भाई, थैंक्स रितेश और हमारे फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ओपिनियंस. अरे नो, थैंक्स अगेन फॉर giving me a chance, like, to be a part of. नहीं भाई, thank you so much यार, आप भी आए, time निकाल कर. We guys are doing our level best to promote sports in India. और उम्मीद करूंगा भाई आप Olympics time में भी time निकालो हमारे साथ, थोड़ा बैठेंगे, जितनी information होगी share करेंगे. मतलब अगर late night भी बैठना पड़े तो late night भी हम लोग analysis तो कर ही लेंगे, अगर badminton हो और भी other sports हो तो उसको पकड़ के. भाई Paris में हो रहा है late night, तो बैठना ही बनेगा. नहीं, निर्भय है, निर्भय एनालिस्ट है, काफी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छे फैक्ट निकाल कर लाएंगे. तो चाहे रात हो जाए या अर्ली मॉर्निंग में करना पड़े, पर करेंगे. ठीक है विशाल भाई, ठीक है,
रात तो हो ही जाएगी क्योंकि पेरिस का टाइम है, पेरिस का टाइम 5 आवर डिफरेंस है, तो रात तो हो ही जाएगी उसमें नो डाउट। अभी मैच चल रहे हैं बैडमिंटन के, वही रहेंगे। ओके तो मिलते हैं फिर, ठीक है गाइस, बैडमिंटन की लाइव स्ट्रीमिंग में मिलते हैं अगले पॉडकास्ट सैटरडे को, और बाय बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ओके बॉस, बाय, टेक केयर। हो गया एक घंटे का प्रॉपर, एक अभी भी लाइव